हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार सी रेसिपी जिसका नाम है छोले पनीर मसाला। तो चलिए आज की बहुत ज्यादा टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। छोले पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने 2 कप छोले को रात भर भिंगो कर रखा था। अब इसके पानी को हम इसे अलग कर लेंगे और छोलों को बॉयल करेंगे। हमने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिया है और एक साफ कपड़े में लगभग 2 टेबल स्पून चाय पत्ती लेंगे। उसे हम बांध के उसकी एक पोटली बना लेंगे। इन सब चीजों को डालने से छोले में अच्छा कलर और फ्लेवर आता है। तो देखिए, हमारी जो पोटली है मैंने बना ली है, इसको तैयार है बिल्कुल। तो चलते हैं छोलों को बॉयल करने के प्रोसेस में। मैं प्रेशर कुकर में छोलों को डाल दिया है। अब हम जो खड़े मसाले लिए थे उसको और जो पोटली बनाई थी उसको डाल देंगे और लगभग 2 गिलास इसमें हम पानी ऐड करेंगे और 5 से 6 सीटी लगने तक लो मीडियम फ्लेम पे इसे हम पका लेंगे। देखिए 5 से 6 सीटी लग चुकी है, हमारे जो चने वो अच्छे से पक चुके हैं बिल्कुल। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम इसमें जो खड़े मसाले और पोटली डाली थी उसे हम एक एक करके इसमें से निकाल लेंगे। हमने यहाँ पे 2 प्याज, अदरक, लहसुन और 2 टमाटर लिया है। इसे हमें पीस कर इसका पेस्ट बनाना है। तो मैं मिक्सी जार में लहसुन, अदरक और प्याज को एक साथ डाल रही हूँ, सबका हम एक साथ पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए हमारा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। उसी तरह हम टमाटर को भी मिक्सी जार में डालेंगे और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमने यहाँ पे लगभग 1 पाव पनीर लिया है, इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने पनीर को कट कर लिया है। अब हम कढ़ाई में लगभग 4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। हमारा तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम लगभग 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे। जीरा हमारा बिल्कुल चटक चुका है तो इसमें हम जो पेस्ट बनाए थे लहसुन, अदरक और प्याज का, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे लगभग 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि जो हमारा प्याज है वो अच्छे से न भून जाए। देखिए लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है। हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है तो इसमें हम टमाटर का जो प्यूरी बनाए थे उसको डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें इसी टाइम पे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे इसमें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लगभग 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इस सबको अच्छे से पका लेंगे। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है, इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्चा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और लगभग 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जिससे मसाले जो अच्छे से पक जाए और नीचे से जले नहीं। इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून जीरा मिर्च का पाउडर और इसे पानी डाल के लगभग 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे इसको। देखिए मसालों को पकाते हुए लगभग हमें 5 मिनट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें हम लगभग 1 टेबल स्पून छोला मसाला डालेंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए मसालों को पकाते हुए लगभग हमें 5 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से बिल्कुल पक चुके हैं। तो उसमें हम 1 टेबल स्पून क्रश और रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी डालेंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारे मसाले जो अच्छे से पक चुके हैं बिल्कुल, तो इसमें हम जो कटी हुई पनीर थी उसके डाल देंगे और 10 मिनट तक ढक के इसे हम लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो देखिए पनीर को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुका है, अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें हम जो छोले बॉयल करके रखे थे उसे डाल देंगे। छोले का पानी को साथ डालना है, पानी इसको फेंकेंगे नहीं हम। अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो देखिए छोलों को पकाते हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है, अच्छे से बिल्कुल पक चुके हैं। तो इसको हम फटाफट से तड़का लगा लेते हैं। हम तड़का पैन में लगभग 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया तो इसमें हम जीरा डालेंगे लगभग 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब हम इसमें कटी हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इन सबको लगभग 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो देखिए सबको पकाते हुए लगभग हमें 5 मिनट हो चुका है, तो इसमें हम लगभग 1/2 टेबल स्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है, चलते फटाफट हम तड़का लगा दें यहाँ पे। तो देखिए हमारे छोले पनीर मसाला बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसे हरे धनिया पत्ते से गार्निश कर दे रही हूँ। तो फटाफट से हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको सर्व कर ली हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।